जी को किया गया। ये मुख्यमंत्री जी जो अब शपथ लेंगे उनका एकाधिकार है, वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किससे साथ टीम का, अपनी टीम बनाने का उनका अधिकार है और वो पार्टी की सलाह से ही बनाएंगे। 10 की 10 लोकसभा 90 विधानसभा पे लड़ने के लिए तैयार है, तैयारी हमारी पहले से चल रही थी। स्वार्थ में ये यार बन गए थे, अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है। हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। नमस्कार, इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। अभी की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आई है, जहां देश में लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी ने अपनी ही सरकार बदलकर नया राजनीतिक प्रयोग कर दिया है। हरियाणा में अब से थोड़ी देर बाद मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। कुछ ही देर पहले नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इसी साल जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी होना है, तब लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन तोड़कर पहले खट्टर कैबिनेट ने इस्तीफा दिया और अब ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी, मुख्यमंत्री जी को क्यों हटाया गया? ये एक प्रक्रिया, हटाया नहीं गया, आप हटाया शब्द आप बोल रहे हैं और हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद हो, मुख्यमंत्री जी की ही इच्छा हो, इस बात को तो आप इंटरनल नहीं जानते, यहाँ हटाने वाला बात नहीं। और मनोहर लाल जी का उदाहरण तो मोदी जी, हम सांसदों की बैठक में बैठते हैं, वो कहते हैं कि मैं जितनी भी केंद्र की योजनाएं बनाता हूँ, ये मैंने अपने कानों से सुनी बैठक की बात है, उसमें सभी प्रदेश प्रयास करते हैं कि हम केंद्र की योजनाओं को अपने प्रदेश के अंदर लागू करें, लेकिन एक मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैं हरियाणा का था, मैं आपको प्रधानमंत्री जी की बात बता रहा हूँ, अक्षरशः बता रहा हूँ कि एक मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मेरी बताई हुई बात को भी 1.5 गुना करके इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए अभी उस चीज की चर्चा मुझे लगता अब हो रही होगी, प्रवेशक और प्रभारी बैठे होंगे, वहां पर जाकर ही पता चलेगा, अभी तक ये चर्चा यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर तो नेता चुने गए। सैनी जी को किया गया, कितने बजे गवर्नर के पास जा रहे हो? देखिए अभी सभी लोग गवर्नर जी के यहाँ जा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के लिए कौन होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सर। बेटा साहब, सैनी जी को किया गया, कितने बजे गवर्नर के पास जा रहे हो? देखिए अभी सभी लोग गवर्नर जी के यहाँ जा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के लिए कौन होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सर। बेटा साहब, जानकारी के अनुसार यही है कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, सिर्फ नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, जब मनोहर लाल खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी सबको चौंकाते हुए ही बने थे, क्योंकि जाट पॉलिटिक्स तब तक हरियाणा में हुआ करती थी, लेकिन खट्टर का उस समय मुख्यमंत्री बनना, आज मुख्यमंत्री पद से हटना, क्या विधानसभा चुनाव ही केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जहन में है? नहीं नहीं श्वेता, विधानसभा बिल्कुल नहीं, विधानसभा तो जहन में है ही, लेकिन विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव है। अब आप देखिए जो नेतृत्व परिवर्तन यहाँ पर किया गया है, हम सुबह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल एक तीर से दो निशाने नहीं, कई निशाने साधे गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, अब उनको करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। संजय भाटिया जो कि सांसद हैं, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा। नायब सैनी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। पहला टारगेट लोकसभा की सीटों को हासिल करना है और लोकसभा के लिए बड़े बड़े नामों को मैदान में उतारा जाएगा। आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को विधायक का चुनाव लड़वाया। अब हरियाणा में जरूरत के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा के मैदान में उतारा जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, नायब सिंह सैनी एक ओबीसी कोटे से आते हैं। हरियाणा की राजनीति को अगर आप समझेगी तो हरियाणा की राजनीति का मैं वोटों का ध्रुवीकरण जाट और गैर जाट के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो गैर जाट है। अब गैर जाट में सबसे बड़ी तादाद ओबीसी की है, तो ओबीसी को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी आप कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है उसमें यह है कि मुख्यमंत्री के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर लगाया जाएगा, क्योंकि अनिल विज अभी नाराज हैं, अनिल विज को मनाया जाएगा। और अनिल विज सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार वो विधायक रहे हैं। हरियाणा की मौजूदा विधानसभा में अकेले विधायक हैं जो 6ठी बार विधायक बनकर आए हैं, और एक ऐसे
ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक विधायक बना था, तो उस समय अनिल विज ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक थे। तो ये सारा जो प्रकरण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट के मुताबिक और अगले जो है विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत ये सारा गेम प्लान किया है। और जिस तरीके से इस गेम को प्लान किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई भी फिलहाल तो नजर आ रही है। श्वेता सतेंद्र बने रहिए हमारे साथ। कल ही द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा वाले हिस्से का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पुराने दिनों की याद करते हुए मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ की थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 24 घंटे बाद मनोहर लाल की कुर्सी चली जाएगी। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं, दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, कांग्रेस नेताओं की तमाम बातें जिनसे आप तब से बातचीत कर रही हैं उन्हें सुनकर यही लग रहा है कि वो आपदा में अवसर इस समय देख रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा के भी चुनाव इसी साल होने हैं। मौसमी जी, श्वेता देखिए, सियासत का ये तकाजा है कि मौका देखते ही आप चौका लगाइए, और उसी चौके के इंतजार में लगातार कांग्रेस बैठी थी। आपको बता दें कि शुरू से ही जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन में को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार कांग्रेस लगा रही थी, और क्योंकि काफी फिनिशिंग लाइन के करीब खुद को भी कांग्रेस ने पाया था, और जब जेजेपी बीजेपी के साथ चली गई थी तो खुद को ठगा पाया था कांग्रेस पार्टी ने। और ऐसे में अब जो लक्ष्मण रेखा है, या यूं कह लीजिए कि युद्ध की लकीर क्लियरली अब खिंच गई हैं, उनको लगता है कि सरकार को अस्थिर करने का कोई फायदा नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि बेहद नजदीक है, और इसीलिए वो नैतिकता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कराने की हरियाणा में मांग कर रही है। जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ खटपट, उसमें सतेंद्र ये समझ में आना कि उनकी तो आधे के आधे जो विधायक हैं वो बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, इस समय जेजेपी के लिए क्या विकल्प सामने रह जाएंगे, चौटाला के पास क्या है? देखिए श्वेता, हिंदी में कहावत है, ना घर के रहे ना घाट के, तो जेजेपी की कमोबेश सिचुएशन ऐसी बन गई है, ना वो घर के रहे ना घाट के हैं। देखिए, पार्टी वो अपनी बचा नहीं पाए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जेजेपी के ज्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और आज जो दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में जो मीटिंग बुलाई थी उसमें पूरे विधायक नहीं पहुंचे। उनकी मां नैना चौटाला विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला विधायक हैं और तीन विधायक अन्य पांच विधायक वहां पर पहुंचे हैं, जबकि चंडीगढ़ से एक आ जा रहा है कि सात विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर सात इधर आ जाते हैं तो पार्टी नहीं बची, गठबंधन टूट चुका है तो सरकार भी नहीं बची। एक तरफ सरकार नहीं बची, दूसरी तरफ संगठन नहीं बचा, तीसरी तरफ अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। जो आदमी ना सरकार बचा पाए ना पार्टी बचा पाए तो किस मुंह से चुनाव में जाएंगे? दूसरी बात, जैसा अभी मौसमी बता रही थी कि पिछली बार जेजेपी का नारा था कि बीजेपी का नारा था अब की बार 75 पार हरियाणा के लिए, और जेजेपी का नारा था अब की बार जमुना पार, मतलब इनको बीजेपी को यमुना पार भेजना है, और दोनों ही फिर सरकार बना ली। तो लोग, जो वोटर था, उन्होंने कांग्रेस को और
जेजेपी को जो वोट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था, लेकिन उन वोटरों को छोड़कर वो वापस बीजेपी की गोद में आके बैठ गए। तो इस पूरे प्रकरण में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो जेजेपी का हुआ है। अब वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, अब उनको नए सिरे से नई कवायद छेड़नी पड़ेगी राजनीतिक रूप से हरियाणा में अपना वर्चस्व बचाने के लिए। दूसरा, जिस परिवार से वो आते थे, ये पहले पार्टी होती थी इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, उस पार्टी में भी नहीं रहे, उस पार्टी को तोड़कर इन्होंने अपनी अलग से जननायक पार्टी बना ली। तो अब उनके पास विकल्प बेहद कम है, विकल्प यही है कि अब वो चुनाव क्षेत्र में जाएं, मेहनत करें और जनता का विश्वास जीते। और चुनाव से ठीक पहले बड़ा मुश्किल होने वाला है ये उनके लिए। बहरहाल, दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी से गठबंधन तोड़ना, 9.5 साल से सीएम मनोहर लाल खट्टर जो रहे उनको बदलना, नया मंत्रिमंडल तैयार करने का मंथन करना, ये सब कुछ लोकसभा चुनाव से पहले करने के पीछे रणनीति जो है वो जाट वोट से जुड़ी बताई जाती है, जहां दावा है कि दुष्यंत अब अलग लड़ेंगे तो कांग्रेस के पास जाता जाट वोट बटेगा, और इसीलिए दावा करते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा पहले से गठबंधन टूटने की भविष्यवाणी करने लगे थे। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता, समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे, कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम, और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब दुष्यंत चौटाला के अलग होकर लड़ने से कांग्रेस को जाट वोट पर होने वाले नुकसान को संभव है कि ढांप चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में हुए सरकार के उलट पुलट के बाद कहा है कि बीजेपी सत्ता विरोधी लहर को छिपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, सीएम और डिप्टी सीएम को हटाना एंटी इनकम्बेंसी का सबूत है, बीजेपी की सरकार नैतिकता खो चुकी है। बड़ी उथल पुथल हरियाणा में, नए मुख्यमंत्री बीजेपी के आ गए, जेजेपी से गठबंधन टूट गया है, क्या हुआ ऐसा कि बेवफाई हो गई? गठबंधन नहीं, ठगबंधन था, ये कोई नैतिक आधार पे गठबंधन नहीं था, मैं कह चुका और ये हमारे को पहले पता था, मैं कह चुका था, समझौता हो चुका था इनका गठबंधन होने का, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, एमपी भी रहे हैं। आपको लगता है सर छवि बदल पाएगी बीजेपी सरकार? वो तो हरियाणा में तो 36 बरादरी ये मन बना चुके हैं आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। आपको क्या इल्म था कि ये गठबंधन टूटेगा सर? पहले आप लोग लगातार कहते आ रहे थे। कहा था, हमारे को मालूम था ना कि ये विफल सरकार है और इनका समझौता हो चुका था गठबंधन तोड़ने का। देखिए, जो आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने ये कहा था कि जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो, चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। लंबे समय तक मौसमी दबदबा रहा हुड्डा परिवार जो रहा है, चौटाला परिवार इन सब का, और उस सब के बीच से निकलकर एक मनोहर लाल खट्टर बने थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, और अब तो 10 साल होने को उस चीज को आए हैं। इस समय जिस तरह की बातें भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे और आपके सामने भी जो बातें कह रहे थे, जाहिर है कि चुनावों में इस मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन अपने को होने वाला नुकसान अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं वो। सत्येंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी श्वेता, बिल्कुल सवाल दोहराएंगे। दरअसल आपने नहीं, दरअसल मैंने सवाल मौसमी से पूछा था लेकिन उनसे संपर्क हमारा टूट गया है।
मैं ये समझना चाह रही थी कि अगर ये डर है कि जाट वोट बंट सकते हैं और ये बीजेपी एक रणनीति के तौर पर इसका प्रयोग कर रही है, पिछले चुनावों को देखें हरियाणा में सारी सीटें यानी क्लीन स्वीप लोकसभा की सीतों का बीजेपी ने किया जो कि 14 से 3 सीटों का इजाफा था। हरियाणा जाहिर है एक ऐसा राज्य है जहां पर नुकसान वो नहीं झेलना चाहते हैं जब वो 370 का लक्ष्य अकेले बीजेपी के लिए देख रहे हैं। देखिए श्वेता, बिल्कुल सही आपने कहा और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सर्वे कराया है, सारे जो है रिपोर्ट्स यहां से ली हैं और अगर हम आज तक की ही बात करें तो आज तक का मूड ऑफ नेशन जो था उसमें भी ये दिखाया गया था कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में लोकसभा की जा सकती है। तो ये सारे सर्वे रिपोर्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है और हरियाणा की अगर आप बात करें तो हरियाणा का जो पूरा इलेक्शन के लिहाज से देखें तो वोटों का ध्रुवीकरण सिर्फ आमने सामने होता है, एक जाट वोट दूसरा गैर जाट वोट। अब गैर जाट वोट में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, उनको बांधे किस तरीके से रखना है, तो यहां पर ओबीसी का कार्ड खेला गया है नायब सिंह सैनी के तौर पर। ओबीसी वोट गैर जाट वोट जाट वोट के बाद सबसे ज्यादा वोट है हरियाणा के अंदर, तो ओबीसी को साधने की कोशिश की गई है। दूसरा अब विपक्ष है, विपक्ष के 3 पार्टी मुख्य रूप से हो जाती है, कांग्रेस, जेजेपी और INLD, और तीनों ही पार्टियों का बेस और बैकग्राउंड जाट से जुड़ा हुआ है। अगर JJP भाजपा के साथ जाती तो भाजपा को उसका नुकसान होता, क्योंकि जाट वोट अगर JJP भाजपा के साथ रहकर मांगती, JJP को जाट वोट नहीं मिलते। लेकिन भाजपा की रणनीति ये है कि तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो डिवीजन ऑफ वोट जो होगा जाटों का वो 3 जगह हो जाएगा, उससे किसी पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुख्यमंत्री से हटाकर करनाल लाया जाएगा, तो एक पूरी स्ट्रेटेजी एक रणनीति के तहत, क्योंकि भाजपा का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी वोट को किसी भी जो इलाके को अछूता नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अभी तक आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, इस इलाके से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो नायब सिंह सैनी को नॉर्थ हरियाणा में इस तरह से लाकर हर तरह के ध्रुवीकरण और समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। जाट वोट अगर डिवाइड होता है तो बीजेपी को फायदा होता है, ओबीसी वोट इकट्ठा होता है तो बीजेपी का फायदा होता है, और चेहरा भी बदल दिया है, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे सर्वे। वाकई फिलहाल तुरुप का इक्का लग रहा है बीजेपी का, लेकिन देखना है कि क्या अनिल विज तरीके जो सीनियर नेता है वो सशक्त हो पाएंगे। एक बड़ी खबर इस समय बता दें आपको, गुजरात के पोरबंदर के करीब 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके साथ भारी मात्रा में ड्रग्स था, लगभग 450 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स की कीमत बताई जा रही है। पोरबंदर के करीब 6 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ। खबरदार में अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।